कृष्णा। तो हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं एक बहुत ही खास नाटक, जिसमें कैसे चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी की आखिरी घंटी बजाई और उन्हें भगवत भक्ति सिखाई। तो आज हम सिखाने वाले हैं आपको चांद काजी का उद्धार, लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं हेलो पश्चिम बंगाल के एक नदिया शहर में। यह बात है आज से करीब 500 वर्ष पूर्व, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर अवतरण हुए थे। उनका बचपन का नाम था श्री विशंभर और उनकी माता श्री शची देवी उनको प्यार से निमाय बुलाती थी। उस समय बंगाल में शासन होता था मुस्लिम राजाओं का। हालांकि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कम उम्र में ही संस्कृत के प्रकांड ज्ञानी बन गए थे। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में इस युग धर्म जो कि हरिनाम संकीर्तन है उसका प्रचार प्रसार शुरू किया था और पूरे नवद्वीप के हर एक घर में पूरे गांव में हरिनाम की ध्वनि का प्रचार होने लगा था। कैसे? ऐसे आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसे महाप्रभु संकीर्तन करते थे, तो चलिए देखते हैं हम स्वयं अपनी आंखों से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इतने मधुर संकीर्तन के बीच में लेकिन कुछ करम पांडी ब्राह्मण और मुस्लिमों को ये संकीर्तन बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनका क्या रिएक्शन था देखते हैं। ये क्या शोर मचा रखा है इन लोगों ने, इस सबसे मेरा सर पटा जा रहा है। हाँ, पूरे नदिया गांव को परेशान करके रखा है। मेरे घर के बगल में श्रीवास का घर है, वहां संपूर्ण रात्रि कीर्तन चलता रहता है, इससे मुझे सुबह उठने में विलंब की कमी आ रही है। पता नहीं कौन से शास्त्रों में लिखा है भगवान का नाम जोर से चिल्लाना, क्या इन्हें पता नहीं ये ऐसा करने से भगवान महाविष्णु की योग निद्रा को भंग कर देंगे और यदि वे क्रोधित हो गए तो वे पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देंगे। इससे पहले कि विलंब हो हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, चलते हैं काजी से फरियाद करने, वो ही हमारी कुछ सहायता करेंगे। हाँ सही कहा, चलो। हुजूर को ब्राह्मणों का प्रणाम। अरे ब्राह्मणों, यहां कैसे आना हुआ? एक समस्या लेके आए हैं हुजूर। समस्या? हमारी संतनत में कैसी समस्या? वो निमाय पंडित दिन रात आपके राज में लोगों को हिंदू भगवान का नाम का जप करने के लिए प्रेरित किया करते हैं। क्या? और वे सब पूरे नदिया ग्राम में परिणाम जाप करते घूम रहे हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि भगवान का नाम जोर जोर से लें। ओ हुजूर, हमारी आपसे विनती है कि आप कुछ करें, आप हमारे धर्म की रक्षा करें, क्योंकि आप ही कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ हुजूर, आप ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है ब्राह्मण, आप लोग फिक्र न करें, मैं उस निमाई को देख लूंगा, आप लोग प्रस्थान करें। और इस घटना के बाद चांद काजी ने पूरे नवदीप ग्राम में एक फरमान जारी किया और इस फरमान में क्या था, फरमान में बोला गया कि हरिनाम संकीर्तन करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा गया तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी, यहां तक कि उसको मौत के घाट भी उतारा जाएगा। तो इस भय से नवदीप के सभी वासी लोग अपने घर में चुपचाप शांति से हरिनाम का संकीर्तन करते हैं। और हम सीन देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे आते हैं और भक्तों को ऐसी स्थिति में पाकर वो क्या कहते हैं देखते हैं। अरे कृष्ण
सभी संकीर्तन क्यों नहीं कर रहे हैं? महाप्रभु, उस काजी का आदेश है, यदि कोई कीर्तन करेगा तो उसको उसकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। गाओ कृष्ण भजो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा, आप सभी जाएं और इस श्री हरि कृष्ण महामंत्र का प्रचार पूरे गांव में करें, क्योंकि यही साधन है जिससे कलयुग में एक जीव के पापों का अंत होता है और अंत में उसी व्यक्ति को स्वयं वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी जाएं और इस हरे कृष्ण महामंत्र का खूब प्रचार प्रसार करें। और काजी काजी से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं हरि आपके साथ होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु के इन शब्दों को सुन के, उनकी दिव्य ध्वनि को अपने हृदय में उतार के, भक्तों के मन में फिर से हर्षोल्लास लौट आया और वो जोर जोर से फिर से हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने लगे। उसके बाद काजी वहां पे आता है, तो देखते हैं क्या होता है। ये क्या रहा है भाई? हमारे फरमान जारी करने के बावजूद इन काफिरों की इतनी मजाल, इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। दरबारी मदन जा अंजाम टूट जाता है। लेकिन फिर से चैतन्य महाप्रभु वहां पर पधारते हैं और भक्तों को क्या आश्वासन देते हैं, तो हम देखते हैं। महाप्रभु, काजी ने हमें बहुत मारा और हमारा मृदंग भी तोड़कर फेंक दिया। कौन है ये दुष्ट जिसने एक हरि भक्त को मारने का दुस्साहस किया है? क्या यह जानता नहीं इसका परिणाम क्या है? क्या ये जानता नहीं कि स्वयं मैं काल हूं? स्वयं विवाद मेरे दास और शिव मेरी पूजा करते हैं। इस पापी के पापों का स्वयं मैं करूंगा। आप सभी नदिया गांव में संदेश दे दीजिए कि आज शाम को संध्या काल के पश्चात सभी लाठियां और मसाले लेकर उपस्थित हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चैतन्य महाप्रभु के इन शब्दों को सुन के सारे भक्तों के अंदर पूरा जोश और उत्साह भर जाता है और सभी लोग ऐसे जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आश्वासन दिया था अपनी अपनी मशाले तैयार करने लगते हैं और सभी के सभी उस पल का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके साथ शहर के अंदर निकलेंगे और काजी के महल पे जाके आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो यह है पहला हरिनाम संकीर्तन। सभी लोग हमारे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको क्या हुआ? हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
का दरबारी हुजूर निमाई पंडित और उससे कई लोग हमारी महल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप कहे तो मैं उन सब का सिर धड़ अलग कर दूंगा। अभी कहे नहीं दरबारी, तुम पहुंचा, मैं उसे किला छोड़ दूं, उसे किला छोड़ दूं। जी हुजूर ठीक है। काजी इतना भय में भयभीत क्या हुआ? काजी को इतना भयभीत क्यों है? काजी 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 मैं स्वयं तुमसे भेंट करने आया हूँ और तुम भयभीत होकर छिप रहे हो, यह किस प्रकार का व्यवहार है? निमाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो निमाई, मैं डर गया था। आपको और आपके इन हजार लोगों को देखकर मैं घबरा गया था निमाई, मैं घबरा गया था। भयभीत वो भी मुझसे, आप तो स्वयं मेरे पिता की उम्र के हैं, इस प्रकार तो आप मेरे चाचा हो, फिर एक चाचा मेरे भतीजे से किस प्रकार का भय? क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी बेशक। गाय आपको दूध देती है तो इस प्रकार वह आपकी माता है, और गाय से हमें अनाज प्राप्त होता है तो इस प्रकार वह हमारे पिता समान है, तो आप इन दोनों प्राणियों की निर्मम हत्या किस प्रकार का सत्य है? अरे तो आपके धर्म ग्रंथों में भी तो पशुबली का प्रावधान है। नहीं बैमार्जा नहीं, किंतु जब दिव्य ब्राह्मण मंत्रोच्चारण द्वारा एक सिद्ध गाय या बैल की आहुति देता है तो वह मारना नहीं किंतु वह तारना होता है, क्योंकि उसे जिस उच्च योनि में जन्म प्राप्त होता है, किंतु यह प्रक्रिया तो कलयुग में वर्जित है। परंतु हमारे कुरान में पशु बलि वर्जित है ताकि हमारी भौतिक प्रगति हो सके। यह किस प्रकार के शास्त्र है जो आपको आपके माता पिता की हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? देखा क्या था वह स्वप्न? आप भी संकल्प लीजिए कि आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और इस पर उत्पन्न कर बाधा करने वालों को भी आप हरे कृष्ण महामंत्र की शिक्षा देंगे। मैं चांद काजी ये फरमान जारी करता हूँ कि आज से हरि नाम के कीर्तन पर कोई रोक तो कोई बाधा नहीं लगेगी, और मेरे वंशज स्वयं हरि नाम का कीर्तन करूंगा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस तरह बजाई चेतन महाप्रभु ने राम काजी की आखिरी घंटी, और पूरे नजदीक में चांद काजी के द्वारा यह फरमान जारी कर दिया गया कि हरिनाम संकीर्तन को कोई नहीं रोकेगा और किसी की भी जमीन जब्त नहीं की जाएगी। Krishna, Krishna, Hare Rama.
चलना है के सारे हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे घटना के बाद पूरे नवदीप में हरिनाम की लहर दौड़ गई और नवदीप के सभी लोग चांद काजी चेतन महाप्रभु सभी लोग हरिनाम संकीर्तन करने लगे। आप लोग सभी के जोर से हरे कृष्ण महाप्रभु को दौड़ाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 तो अभी हम सभी लोग किरदारों को आपके सामने बताना चाहेंगे। तो चेतन महाप्रभु का रोल कर रहे थे शिवान प्रभु हरिबोल। नित्यानंद प्रभु जी का रोल कर रहे थे अर्जुन प्रभु हरिबोल। चांद काजी का रोल कर रहे थे सुधांशु प्रभु। ब्राह्मणों का रोल कर रहे थे अभिषेक प्रभु और तनिष्क प्रभु। और जो भक्त थे अच्छा हाँ नरसिंह देव का रोल कर रहे थे यश प्रभु। और जो चांद काजी और सारे भक्तों ने जो हमारा साथ दिया उन लोगों का नाम भी हम लेके लेना चाहेंगे अर्पित प्रभु अनिकेत प्रभु शुभम प्रभु साहिल प्रभु अभिषेक अरोड़ा प्रभु पुष्पेंद्र प्रभु और शिवम प्रभु हरिबोल। इस पूरे ड्रामा के एक्शन डायरेक्टर थे हमारे कार्तिक प्रभु हरिबोल। और इस साउंड सिस्टम को अंजाम देने वाले थे हमारे योगेश चंद्र प्रभु। और पूरे ड्रामा के इंस्पिरेशन सोर्स थे हमारे सचिनंदन गौरांग प्रभु और प्रिय गोविंद प्रभु जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पर्दा उठाने वाले लोग थे उनके लिए भी जोर से हरिबोल। नाम से हरे राम राम। जो हमारे डायरेक्टर थे वो थे अंकुर प्रभु। तो अगर आज सभी को ये ड्रामा अच्छा लगा और आप वो आखिरी घंटे अपने जीवन में बजा रहे हैं।